हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट हमेशा कर रहे होते हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा और किस टॉपिक पे होगा। मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक कैसा हो और क्या मैं आपके लिए लेकर आऊँ स्पेशल। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें बहुत ईजी एक्सरसाइज है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 1 वीक में 3 to 4 inches अपनी वेस्ट अपना कम कर सकते हैं, इंचेस जो अपने कम कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बहुत इफेक्टिव है, आपको खुद फील होगा, आप खुद अपने अंदर वो फील करेंगे। 1 वीक अगर आप रेगुलर ये फॉलो करेंगे और आपको उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं देना, बस 2 से 3 मिनट देने हैं मुझे। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ क्या है। इसका नाम है सूर्य नमस्कार। आप जानते हैं अगर हमारा मेन जो होता है एक्सरसाइज, हम जो हमारा बेली जो होता है उस पर हमारा फैट बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत लेट जाता है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ सूर्य नमस्कार, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज और पोजेस जो आपको बताऊंगी आप एग्जैक्ट अगर फॉलो करते हैं डेली तो आपका बेली फैट बहुत कम हो जाएगा। अगर आपका बेली ठीक रहेगा, आपका स्टमक ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप अच्छे दिखेंगे, आप कॉन्फिडेंटली रहेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। जो आप थके थके से रहते हैं डेली, थोड़ा सा काम किया थक गए उसके बाद आप टायर्ड हो जाते हैं और आप बेड पे लेट जाते हैं या कहीं रेस्ट करने के लिए आप सोचते हैं, तो वो चीजें आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी। क्योंकि हम योगा कोई भी करें, ऐसा नहीं कि फेस योगा करें तो फेस पे ग्लो आएगा, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन, हमारी बॉडी बहुत ग्लोइंग और बहुत टोन्ड हो जाएगी, बहुत फिट हो जाएगी, आप सुंदर दिखने लगेंगे और तब आप मेरी एक्सरसाइजेस को बहुत याद करेंगे। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको डेली फॉलो करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी स्क्रीन पर रेड बटन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उसके थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को बहुत बहुत सारा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी आप एज इट इज मुझे फॉलो करिए, ये मैं आपको कोई न्यू एक्सरसाइज नहीं बता रही हूँ। सूर्य नमस्कार जो है बहुत टाइम से बहुत हमारे ऋषि मुनि है जो वो भी करते आ रहे हैं, बस ये डिफरेंस है कि हम वो सब चीजें भूल कर हम आजकल की लाइफ में, तब तो कोई योगा नहीं था, कोई जिम नहीं था, एरोबिक्स या जुम्बा क्लासेस नहीं होती थी, सब ये एक्सरसाइज योगा करके अपनी बॉडी को बहुत फिट रखते थे और सुंदर दिखते थे, टोन रहती हमारी बॉडी, शेप में रहेगी, कहीं एक्स्ट्रा फैट जैसे आर्म्स पर हो, बॉडी पर हो, कहीं भी अच्छा नहीं लगता, आप अपनी फेवरेट ड्रेसेस भी नहीं पहन पाती है। तो बस आपको अब शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं, आपको अपने आपको फिट बनाना है और सुंदर दिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ में एक्सरसाइज कैसे करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जैसे आपको बताऊंगी अभी सूर्य नमस्कार के पोस्चर्स हैं, ये कंटिन्यूस आपको करने हैं, विदाउट गैप करने हैं, कोई गैप नहीं देना, कंटिन्यूस आपको फ्लो में करने हैं। हर आपको पोस्चर को 5 सेकंड होल्ड करना है सेम पोजीशन में, इससे आपकी पूरा वेट लूज होगा, एक स्पेसिफिक जगह का वेट लूज नहीं होगा बॉडी में, सारी बॉडी का आपका वेट कम हो जाएगा, चाहे वो थाइज हो, बैक हो, या आपका अपर चेस्ट साइज हो, या आपका टमी एरिया हो, थाइज में भी इफेक्ट आएगा, पूरे एरिया में जो हमारा नेक पे फैट होता है इनफैक्ट वो भी कम हो जाएगा इससे। तो आप मुझे फॉलो करिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप किसी दरी या मैट का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट जमीन पे मत करेगा नहीं तो आपके बॉडी पेन होगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैट जरूर ले लीजिए, योगा मैट जो होता है उसका इस्तेमाल करिए या दरी का, बेड पे भी नहीं करना, आपको गद्दा अवॉइड करना है, योगा मैट या दरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये एक्सरसाइज कहीं भी नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप मुझे फॉलो करिए कि किस तरीके से करना है। पहले आपको एकदम स्ट्रेट पोस्चर रखना है, जैसे आप मेरी बॉडी देख रहे हैं, शोल्डर मेरे बिल्कुल पीछे है, बैक मेरा एकदम स्ट्रेट है, लेग्स मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है, फीट में नॉर्मल गैप रखना है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं करना, बहुत जॉइंट नहीं करना, नॉर्मल गैप जितना आप देख रहे हैं, नॉर्मल जो हम खड़े होते हैं अपने सपोर्ट पे, बॉडी सपोर्ट जितना हमें चाहिए होता है उतना आपको गैप देना है, आप उतना गैप दीजिए, अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखिए और अपने हैंड्स को ऊपर लेके जाइए, इस तरीके से जॉइन करना, इससे हमारे हैंड में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं, हम हैंड जॉइन कर रहे हैं इससे हमारे यहाँ पे पॉइंट्स प्रेस होते हैं, इसी प्रेशर से हमारा वेट लूज में बहुत हेल्प मिलती है। जी ये करने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन जब आप करेंगे और इफेक्टिव नहीं लग रहा होगा, करने में इजी ही है और लेकिन इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, जो आपको लग रहा होगा कि ऐसा नॉर्मल सा है और उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। आप इस तरीके से नमस्कार करें, हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, वैसे ही सूर्य में नीचे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सनलाइट में आप अपने घर पे भी कर सकते हैं इसको, इस पोजिशन में आप होल्ड करके रखिए 5 सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड नॉर्मल ब्रीथ लेना है आपको, एक्सहेल आप नॉर्मल करना है जैसे आप करते हैं, इनहेल भी आपको नॉर्मली ब्रीथ करना है, कोई स्पेशली नहीं करना, और इसको 5 सेकंड होल्ड करने के बाद नेक्स्ट पोजीशन पर आते हैं हम। आपको अपने हैंड्स इस पोजीशन के बाद डायरेक्टली पीछे लेके जाने, अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रेच करना है, अपनी आर्म्स पीछे लेके जानी है, टमी एरिया आपका लोअर बैक सब जगह इसका इफेक्ट आएगा, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी बॉडी को उतना स्ट्रेच करिए।
उसके बाद आप अपने हैंड्स को डाउन लेकर आइए, अपनी एंकल जो है वो पकड़ने का ट्राई करिए। जो एक्सपर्ट हो चुके होंगे वो जमीन भी टच करके अपना हेड जितना नी तक लेके जा पाएंगे उतना अच्छा है, आपका टमी का फैट लूज हो जाएगा। लोअर बैक सारा जो पेट के नीचे की चर्बी होती है वो सब रिमूव हो जाएगी। 5 सेकेंड होल्ड करना है हर पोजिशन को, गैप नहीं देना, कंटिन्यू फ्लो में करना है एक्सरसाइजेस। अब हम अपने हैंड्स आगे रखेंगे, एक पैर अपना पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट वाला या राइट वाला जो भी आपको कन्वीनियंट हो, और राइट पैर को प्रॉपर सपोर्ट देंगे। जैसे आप मुझे देख रहे हैं वीडियो में, ऐसा प्रॉपर हमें नीचे सपोर्ट देना है अपने पंजों और एडी को, और एक जो हमारा घुटना है वो हमारी चेस्ट तक टच होना चाहिए। हैंड्स आपको स्ट्रेट रखने हैं, बैक स्ट्रेट रखनी है, जो आपने लेग पीछे करी हुई है उसका घुटना नीचे जमीन पे या मैट पे नहीं लगना चाहिए, वो आपको एकदम स्ट्रेट रखना है। पंजों पर प्रेशर रखना है पीछे वाली लेग पे, आगे वाला आपको पूरा सपोर्ट देना है। आप मुझे देख रहे हैं मेरा पैर पूरा जमीन से सटा हुआ है, हैंड्स आपके स्ट्रेट होने चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए, और नेक स्लाइटली से आपको पीछे की तरफ बेंड करना है, मूव करना है पीछे की तरफ, अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच करना है, बहुत खींचना है, आपको पूरी बॉडी में इसका जोर दिखाई देगा, प्रेशर फील होगा, चाहे वो थाइज हो, आपका टमी के नीचे का फैट हो या चेस्ट का फैट हो या नेक तक आपका प्रेशर आएगा, जो आपका वेट लूज में बहुत हेल्प करेगा। इसी पोजीशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद, दोनों पैर हम पीछे लेके जाएंगे और अपनी बॉडी को इस तरीके से रखेंगे, हैंड्स पर हम अपना वेट देंगे, पंजों पर हमें अपने पैर रखने हैं, दोनों लेग लेफ्ट और राइट, पंजों पर प्रेशर देना है, एडी नहीं लगानी है, घुटने जमीन से नहीं सटाने हैं, चेस्ट आगे नहीं करना है, चेस्ट हिप सब 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, बिल्कुल हमारी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। हैंड पे हमें प्रेशर देना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है, स्टार्टिंग टाइम आप कम रखिए 2 सेकेंड 3 सेकेंड, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। अब अपनी बॉडी को रिलैक्स मूवमेंट में नीचे लेकर आना है, घुटने नीचे नहीं लगने चाहिए, हैंड्स और आपकी एल्बो यानी कोहनियां आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नेक आप सपोर्ट दे सकते हैं, घुटने आपने जमीन से नहीं सटाने हैं, आपको वो ऐसे ही रखने हैं, पंजों पे प्रेशर रखना है, सिर्फ टमी चेस्ट और नेक हमारा नीचे होगा, बाकी बॉडी स्ट्रेट होगी। 5 सेकेंड होल्ड करिए, रिलैक्स करिए, उसके बाद देन नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमें हैंड सपोर्ट से ही अपना हाफ बॉडी ऊपर लेके जानी है, हमें पीछे देखना है जितना हम पीछे देख सकते हैं, साथ में ही हमें घुटने हमारे अब जमीन से सट जाएंगे और पंजों पर ही हमें अपने पैर को रखना है, प्रेशर देना है, बॉडी को इतना प्रेशर दीजिए कि आपको टमी के नीचे का एरिया, नाभि के नीचे के एरिया में आपको स्ट्रेच फील हो, जो हमारा फैट बहुत अजीब लगता है, टायर्स बन जाते हैं, आपका ये जो स्ट्रेच होगी पूरी बॉडी आपको फील होगा, आपकी थाइज आपकी चेस्ट तक आपका फैट कम हो जाएगा, जिसका चेस्ट बहुत ज्यादा होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, नेक का फैट होता है वो कम हो जाएगा। 5 सेकेंड होल्ड करिए एंड देन हम नेक्स्ट पोस्चर रिपीटेशन में आएंगे, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ एंड होती है, और यहाँ पे रिपीटेशन करना है, ये पूरा पोस्चर रिपीट करना है जो आपको दिखाऊंगी। उसके बाद वापस हैंड सपोर्ट, वन लेग आगे और दूसरा वाला जो लेग है उसका पोजीशन आप प्लीज चेक करिए, अगर आपको प्रॉपर नहीं देख पा रहे हर पोजीशन ही चेक करेगा, एग्जैक्ट उसी पोजीशन में करना, नहीं तो आपकी बॉडी पेन हो जाएगा। पंजों पर आपको रखना है, घुटना छाती के साथ हटा के रखना है, बिल्कुल अटैच करके रखना है अपना नी और अपना पंजा जो है राइट लेग, उसका फीट जो है बिल्कुल जमीन से सटा के रखना, ज्वाइन करके रखना है, पीछे वाला लेग का घुटना स्ट्रेच देनी है, लेग को घुटना साथ में नहीं लगना चाहिए। अगेन इसके बाद हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे, वही अपना हेड हमें नी तक टच करना है, घुटनों से सर अपना घुटनों से लगाने का ट्राई करना जितना हम मैक्सिमम कर सके, और हाथ हमारे एंकल पे होने चाहिए। इसके बाद हम वापस अपनी बॉडी को बेंड करेंगे जितना पीछे कर सके जी, 5 सेकेंड होल्ड, देन अगेन हैंड ज्वाइंट पोजीशन में जी, या हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये सूर्य नमस्कार के पोस्चर थे जी फ्रेंड्स, तो देखा आप लोगों ने कितनी इजी एक्सरसाइज है जिसको आप डेली फॉलो करेंगे, और हार्डली 2 या 3 मिनट देने हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना कि आपको लगे 5 मिनट देने हैं 10 मिनट देने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस 2 और 3 मिनट देने आपको, या 2 से 3 मिनट आपको उस एक्सरसाइज को डेली फॉलो करना है, योगा आप बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं, बट आप इसको प्लीज़ फॉलो करिए क्योंकि बहुत इजी है, बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ इन एक्सरसाइज को करने के लिए, ये सूर्य नमस्कार इसका नाम है, इसके लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सूर्य के बिल्कुल पास जाकर या मतलब उसके नीचे सनलाइट के नीचे आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आप ये घर पे भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, आपके पास टेरेस है, अवेलेबल है स्पेस है तो आप टेरेस पे जाके करिए, अदरवाइज आपके पास बैल्कनी है तो आप बैल्कनी में एक्सरसाइज कर सकते हैं।
बालकनी का भी ऑप्शन नहीं है तो आप अपने रूम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको सनलाइट के नीचे ही एक्सरसाइज करनी है, बट आप एक्सरसाइज डेली फॉलो करिए। इससे आप खुद फील करेंगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। बहुत मेडिटेशन टाइप का है ये योगा आपके लिए। एक्सरसाइजेस जो है आपका जो इसे जितना भी डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, डिप्रेशन से बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में, तो आप उससे भी धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलने लगेगा, आप इन सब चीज़ों से बाहर आने लगेंगे। तो आप मेडिसिन खाते हैं उसका डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको खानी पड़ती है, या स्ट्रेस कम करने के लिए आपको नींद नहीं आती, आप स्ट्रेस में इतना ज़्यादा होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जितनी भी आप मेडिसिन खाते हैं उसका साइड इफेक्ट तो ज़रूर होता है ना, तो आप उनकी जगह अगर आप डेली एक्सरसाइज कर लेंगे अपने के लिए। सबको अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं डेली एक्सरसाइज हर चीज फॉलो करती हूँ ताकि मेरी बॉडी फिट रहे, मैं सुंदर दिखूँ, कॉन्फिडेंट रहूँ, मेरे को स्ट्रेस नहीं रहे, स्ट्रेस अगर हो रहा है तो मैं उससे रिलीफ मिल जाए मुझे, आप लोगों को नींद अच्छी आए। अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे, ये आप जो सूर्य नमस्कार जितनी भी एक्सरसाइज बताई है मैंने आपको, ये फॉलो करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, आपका स्ट्रेस दूर होगा। आप देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो प्लीज इसको मैं यही चाहती हूँ आप डेली डेली फॉलो करें, आपको जो रिजल्ट मिले आप उससे शेयर करें। आपके जितने भी कमेंट्स आएंगे आपके क्वेश्चंस का जल्द से जल्द रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और लेट मत करिए, मेरे वीडियोस को बहुत सारा लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, और इसी तरह से मेरी एक्सरसाइजेस देखते रहिए। कुछ क्लियर नहीं हो तो वापस से आप मेरी वीडियो चलाएं और उसके बाद उसको फॉलो करें, बट एग्जैक्ट पोजीशन यही फॉलो करें। अगर आप करेक्ट पोजीशन फॉलो करेंगे तो आपको 1 वीक में खुद फील होगा कि आपके 3-4 इंचेस कम हो गए हैं, और मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा। कोई क्वेश्चन होंगे वो भी मुझसे शेयर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।